नमस्कार दोस्तों, क्यों विशेष है आज के दिन के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे जो नायक हैं उनके बारे में कम शब्दों में ज्यादा बोलना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि ये वीडियो को छोटा रहे। आज के दिन आज हम याद कर रहे हैं दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के का जन्म 30 नवंबर 1952 को नासिक त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। ख्वाब देखना हर किसी के लिए बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल है उन ख्वाबों को असल में सच्चाई में मूर्त रूप देना और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। कुछ ऐसा ही असंभव ख्वाब सच किया दादा साहब फाल्के ने। दादा साहब फाल्के ने फोटोग्राफी की एक कोर्स किया, उसके बाद बड़ौदा विश्वविद्यालय से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। जब वो फोटोग्राफी करते थे तो अचानक एक अफवाह फैल गई कि फोटोग्राफी करने से आदमी की उम्र कम हो जाती है, मतलब आपके अंदर की ऊर्जा जो कैमरे का फ्लैश होता है या कैमरे से जब आप फोटो खींचती है तो आपके अंदर कुछ विकरणें प्रवेश कर जाती है और आपकी उम्र कम हो जाती है। ऐसा ही कुछ अफवाह फैली और इसके कारण दादा साहब फाल्के का जो फोटोग्राफी करियर था वो धीरे धीरे डाउन होने लग गया। लोग फोटो खिंचवाने से मना करने लग गए। धीरे धीरे उनको लगा कि अरे ये पेशा तो मेरा चल नहीं रहा, तो उन्होंने नए पेशे की तलाश में इधर उधर भटकना शुरू किया। नए पेशे के तौर पे उन्होंने उनको एक फ्रांसीसी जादूगर मिला। फ्रांसीसी जादूगर से अतिरिक्त प्रभावित हुए। फ्रांसीसी जादूगर का जो नाम था उसके आगे सरनेम था केल्फा। केल्फा को उल्टा किया तो फाल्के बन गया। तो दादा साहब जिनका असली नाम धुंधीराव गोविंद था, उन्होंने अपना नाम परिवर्तन किया और धुंधीराव गोविंद फाल्के अपना नाम रख लिया। जादूगरी की कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स उन्होंने सीखी, अपना प्रोफेशन जादूगरी की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो भी ज्यादा समय नहीं चल सका। फिर उनको अचानक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, 7 साल का उनका बेटा था। दोनों एक बार गए कहीं मुंबई के एक थिएटर में, वहां उन्होंने एक फिल्म देखी जो कि एक लंदन से आई हुई टीम ने वो फिल्म चलाई थी। उस फिल्म को देख के उनको लगा कि वाह ये तो अद्भुत है। जब उन्होंने घर आके अपने परिवार को बताया कि ऐसा देखा वैसा देखा तो घर में किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। अगले दिन वो पूरे परिवार को लेके वहां चले गए उस थिएटर में, और वहां पर जो फिल्म चली उस दिन जो फिल्म चली वो थी प्रभु यीशु के ऊपर, प्रभु यीशु के बाल्य रूप का वर्णन था और प्रभु यीशु के ऊपर पूरी फिल्म थी। जब बाल्य रूप में प्रभु यीशु को दिखाया जा रहा था कैमरे पे स्क्रीन पे, तो उनको लगा कि यार ऐसा तो कुछ मैं भी कर सकता हूं, मैं भी भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, मां सीता को, भक्त प्रहलाद को या और कई हमारे इतिहास में पौराणिक कथाएं ऐसी है जिनको मैं कैमरे पर रिकॉर्ड कर सकता हूं और ये काम मैं भी कर सकता हूं। इसी विचार के साथ उनका एक सफर हुआ जो कि अदृश्य सफर था। आज तक कोई भी उस रास्ते पे नहीं चला था। जो हमारे फाल्के साहब हैं उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस सफर को शुरू करता हूं। मोमबत्ती की रोशनी में पल फोटोग्राफ्स को दीवार के ऊपर रिफ्लेक्ट करवाने का और धीरे 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 उनको चेंज करने का जो उन्होंने अद्भुत प्रयोग किया वो अविस्मरणीय था। उनके इस प्रयास को लगातार वो कई घंटों तक करते थे और इसके कारण उनकी धीरे धीरे आंखें खराब होने लगी। उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बहुत वीक होने लगी। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको एक मोटा चश्मा लगा दिया उनकी आंखों पर और उनको सख्त मना की कि अब आप ये प्रयोग मत कीजिए वरना आपकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाएगी। लेकिन दादा साहब फाल्के एकदम धुन के पक्के, उन्होंने ये सफर बंद नहीं किया बल्कि इस सफर में भी लगे रहे। फिर उनको मालूम चला कि इस प्रयोग को, इस काम को और बढ़ाने के लिए उनको लंदन जाना पड़ेगा। बीवी के गहने गिरवी रखे, बीवी की LIC की पॉलिसी गिरवी रखी और चले गए लंदन। लंदन जाके उन्होंने फिल्म निर्माण की पूरी ट्रेनिंग ली। तकरीबन 2 महीने का समय उन्होंने लंदन में बिताया। फोटोग्राफी के सारे इक्विपमेंट, कच्ची फिल्म्स और वो सब लेके वो इंडिया आ गए और इंडिया में उन्होंने प्रयोग करने शुरू किए।
छोटी छोटी फिल्में बनाई, जैसे मटर के दाने से पेड़ को उगने की। उसके अलावा बाबा राजा हरिश्चंद्र एक फुल लेंथ पहली फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र के अलावा दो और फिल्म उन्होंने बनाई। तीनों फिल्मों को जब उन्होंने प्रदर्शित किया तो बहुत सारा पैसा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त जब वो फिल्में लगी तो बैलगाड़ियों में, ऊंट गाड़ियों में और बड़े बड़े गधा गाड़ियों में पैसा भर के जाया करता था। तीनों फिल्मों के प्रदर्शन से उनके बहुत सारा पैसा पैदा हो गया। अब उन्होंने सोचा कि ये तो मैंने कर लिया, अब इसको और बढ़ाने का प्रयास करता हूं। इसलिए वो वापस एक बार गए विदेश, फिर से एक बार लंदन गए, फिर से एक बार यूरोप गए, मतलब दूसरे देशों की यात्रा की उन्होंने, और वहां पर उन्होंने अपनी फिल्म का प्रदर्शन किया। आप मानिए, विदेशियों ने जब उन फिल्मों को देखा तो उनको आश्चर्यचकित हुआ कि एक भारतीय कैसे कर सकता है इतना विस्मृत काम। और उन्होंने दादा साहब फाल्के को यह ऑफर दिया कि आप यहीं रहिए, हम आपके रहने खाने खर्चे पूरा इंतजाम करेंगे, उसके अलावा आपको तनख्वाह भी देंगे, आप ये काम हमारे लिए कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैं भारत की मिट्टी में पैदा हुआ हूं, इसलिए जो भी करूंगा भारत के उत्थान के लिए ही करूंगा और भारत के विकास के लिए करूंगा। मैं वहां ही अपने जितने भी प्रयोग कर सकता हूं उतने ही करूंगा। नई कच्ची फिल्में लेके, नए कैमरे लेके, बड़ा कैमरा लेके और ज्यादा पैसे के साथ में अब वो वापस इंडिया आए और फिर से फिल्में बनाने का सफर शुरू किया। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और प्रथम विश्व युद्ध के कारण उनको फिल्में बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी। फिल्म देखने के लोग आ जाते नहीं थे क्योंकि पैसे की बहुत क्राइसिस होने लग गया मार्केट में। लेकिन वो अपनी धुन में लगे रहे और धीरे 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 ये सफर बढ़ता रहा। तकरीबन 50 साल उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिए। आज के फिल्म बड़ी इंडस्ट्री को आप जो देख रहे हैं, ये शुरुआत थी दादा साहब फाल्के के द्वारा शुरू किए गए सफर की। आज दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने के लिए कई लोग निरंतर अपना प्रयास करते रहते हैं और सिनेमा में अद्भुत योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। एक कलाकार की मनोकामना होती है कि वो अपने जीवन में यदि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त कर पाए तो उसका जीवन, उसका एक्टिंग, उसका पूरा सफर सफल हो जाए। असंभव को संभव करना, ख्वाबों को सच करना और अपनी ऊर्जा को बढ़ाना, उस दिशा में, जिस दिशा में आज तक किसी ने सोचा भी ना था, किसी ने देखा भी ना था, किसी ने विचार भी नहीं किया था कि मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा था दादा साहब फाल्के का सफर। हम सभी प्रयास करें एक ऐसे ही छोटे से सफर को बनाने का, कुछ अद्भुत करने का। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से और वीडियो में रोज डालता रहूंगा। आप सभी का सहयोग बना रहेगा तो आपका प्यार बना रहे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।